दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ मिली 1997 के बाद वनडे सीरीज में हार का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, टीम इंडिया की बल्लेबाजी, कोचिंग या फिर कुछ और? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो दोस्तों भारतीय टीम ने तीसरे वनडे मुकाबले में भी बेहद ही खराब परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते भारतीय टीम को इस मुकाबले में 110 रनों से हार मिली। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भारतीय टीम को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, कि किस प्रकार से भारतीय टीम का खराब परफॉर्मेंस एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिला। तो जी सबसे पहले हम बात करते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस तीसरे व निर्णायक मुकाबले में सिक्का उछाला चरित्र असलंका ने, और गिरा भी एक बार फिर उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, और इस फैसले को बिल्कुल सही साबित करने के लिए श्रीलंका की तरफ से पुथम निशंका के साथ अविश का फंडा डो क्रीज पर उतरे। तो मोहम्मद सिराज पहला ओवर डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया पुथम निशंका ने, और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जिसके चलते पहले ओवर में ही शानदार तरीके से श्रीलंका के लिए दो चौके आ गए। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से जब मोहम्मद सिराज तीसरा ओवर डालने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पुतुम निशंका ने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। तो इसके बाद पुतुम निशंका और अविष्का का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। पांचवें ओवर की पांचवी गेंद पर अविष्का फर्नांडो के बल्ले से भी पहला चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पावर प्ले में टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया, और पावर प्ले में श्रीलंका ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10 ओवर में 41 रन लिए और टीम के लिए शानदार शुरुआत कर दी। इस मुकाबले का पहला छक्के का इंतजार था श्रीलंका को, तो वो देखने को मिला 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब शानदार बल्लेबाजी करते हुए पुथम निशंका ने अक्षर पटेल की गेंद पर स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक 85 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों जब अक्षर एक बार फिर से 13वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला। इस बार पुथम निशंका ने गेंद को शानदार तरीके से लॉग स्वीप के जरिए ही एक बार फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, और अक्षर के खिलाफ ये उनका दूसरा शानदार छक्का था। इसके बाद तो यहाँ पर अविष्का फर्नांडो ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया शॉर्ट फाइन की तरफ। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पांचवी गेंद पर टीम इंडिया को जो सफलता का इंतजार था वो पूरी हुई। एक और स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर पुथम निशंका, लेकिन इस बार गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और ऋषभ पंत ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। पुथम निशंका 65 गेंदों पर 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अविष्का फर्नांडो ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 27वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। टीम के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए एक से शानदार तरीके से टीम को स्कोर को भी तेजी से आगे बढ़ाया और बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं पर इसके बाद अविष्का फर्नांडो ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 29वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर एक बार फिर से पुल शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया छक्के के लिए। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद भी एक बार फिर से उसी तरफ शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर बैक टू बैक दो छक्के यहाँ पर टीम के लिए जड़ दिए। इसके बाद 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो के बल्ले से निकले चौके के साथ ही यहां पर टीम का स्कोर 150 रनों के पार हो गया 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद काफ़ी लंबे देर से संघर्ष कर रहे कुशल मेंडिस ने भी 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। इसके बाद दोस्तों अविष्का फर्नांडो अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे, लेकिन तभी 36वें ओवर की तीसरी गेंद पर रियान पराग की एक शानदार गेंद पर वो पूरी तरह से चुक गए और LBW आउट होकर पवेलियन लौटे, और रियान पराग को उनके वनडे कैरियर की पहली सफलता मिल गई। अविष्का फर्नांडो 96 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। तो उनके आउट होने के बाद कप्तान चरित्र श्रीलंका क्रिस पर उतरे तो उन्होंने 38वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 72 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया रियान पराग की ही गेंद पर। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने शानदार वापसी की और चरित्र श्रीलंका को LBW आउट करके पवेलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। यहाँ पर चरित्र श्रीलंका 12 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
काटे। इसके बाद 39वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने भी एक शानदार यॉर्कर गेंद डाली और इस पर पूरी तरीके से चुक गए समर विक्रमा। शानदार रिव्यू भारत ने लिया और यहाँ पर समर विक्रमा की गेंद पहले जूते पर लगी थी, इसके बाद बैट पर लगी थी और वो साफ तरीके से आउट हुए और गोल्डन डक पर ही वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लियांगे उतरे तो उन्होंने भी एक शानदार चौका 41वें ओवर की 4थी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगाया, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 43वें ओवर की 4थी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता वाशिंगटन सुंदर ने दिला दी जब उन्होंने जेनिथ लियांगे को यहाँ पर बोल्ड करके पेवेलियन भेजा और भारतीय टीम को इस सफलता की सख्त जरूरत थी जो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने दिलाई। जेनिथ लियांगे इस मुकाबले में 12 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 44वें ओवर की 3री गेंद पर रियान प्राग ने इस सीरीज के अब तक के श्रीलंका के हीरो रहे वेला लागे को बोल्ड करके पेवेलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। वेला लागे इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 3 ही गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसके बाद कुशल मेंडिस का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 48वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ा जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस शानदार चौके के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो सीधे गेंद थमा बैठे शुभमन गिल को, जिन्होंने बाउंड्री लाइन पर एक और बेहतरीन कैच पकड़ा और यहाँ पर कुशल मेंडिस की पारी समाप्त हुई जहाँ पर उन्होंने 82 गेंदों पर 59 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 50वें ओवर की 3री गेंद पर कमेंडो मेंडिस के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसके बाद आखिरी ओवर में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ और 50 ओवर की समाप्ति तक श्रीलंका की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 248 रन बनाए और 249 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित और गिल ने एक बार फिर से अच्छी शुरुआत देने की पूरी कोशिश जरूर की, जहां पर खासकर की रोहित शर्मा ने मुकाबले की पहली गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलते हुए असिता फर्नांडो को चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा ओवर डालने आए महेश दीक्षणा के ओवर की 5वीं गेंद पर भी रोहित ने एक बार फिर से बैकफुट से गेंद को पंच किया और शानदार तरीके से कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी बीच चौथा ओवर एक बार फिर से जब लेकर आए महेश दीक्षणा तो चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित ने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया। रोहित का यह छक्का 69 मीटर दूर जाकर गिरा। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने एक बार फिर से गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक और बड़े शॉट के लिए खेला और इस बार गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को बेहतरीन तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड ऑफ की तरफ, जबकि दोस्तों ओवर के आखिरी गेंद पर उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई, लेकिन इस चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने 3 चौके व 1 छक्के के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बटोर लिए, लेकिन इसके बाद फिर से एक बार टीम इंडिया को निराश किया शुभमन गिल ने, जहां पर उन्होंने 5वें ओवर की 3री गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद सीधे उनके स्टंप पर जाकर लगी और वो बोल्ड होकर पेवेलियन लौटे। इस मुकाबले में भी शुभमन गिल ने खासा निराश किया और 14 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद छठा और डालने आए वेला लागे की चौथी गेंद पर रोहित ने एक और शानदार तरीके से गेंद को बैकफुट से स्लैप के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। रोहित का यह भी कमाल का शॉट था जहां पर कमाल का गैप उन्होंने ढूंढ कर दिखाया। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी असिता फर्नांडो की गेंद पर फाइन खेला गेंद को और थर्डमैन की तरफ एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड ऑन की तरफ बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले की 8वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक और सबसे करारा झटका लगा। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के हाथों में चली गई और कुशल मेंडिस ने बेहतरीन कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। यहाँ पर रोहित शर्मा 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे ऋषभ पंत तो उन्होंने आते ही शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ बेहतरीन चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक फ्लिक शॉट के जरिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि वो आज पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 10वें ओवर की 2री गेंद पर भी वो आगे बढ़कर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में गई और स्टंपिंग आउट होकर पेवेलियन लौटे ऋषभ
पंत जिन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 6 ही रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद सरेश अय्यर ने आते ही 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। उन्होंने भी शानदार तरीके से बियाइंड द स्क्वायर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी बीच 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर वेला लागे ने श्रीलंका की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी और उन्होंने पेवलियन भेजा विराट कोहली को LBW आउट करके। विराट कोहली भी इस मुकाबले में एक बार फिर से निराशा हाथ लगी उनके फैंस और भारत के फैंस के लिए, क्योंकि 18 गेंदों पर 20 रन बनाकर वो बीच चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर पटेल भी इस मुकाबले में अपना दमखम नहीं दिखा पाए। अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी लेकिन आज वो भी वेला लागे का शिकार बने और 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 ही रन बनाकर वो भी आउट होकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद रियान फराक जो कि अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे तो उन्होंने अपने कैरियर की पहली गेंद पर शानदार तरीके से पैडल शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सरेश अय्यर ने भी एक शानदार चौका रिवर्स स्वीप के जरिए लगाने में वो भी कामयाब हुए 13वें ओवर की 4थी गेंद पर। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की वेला लागे ने और सरेश अय्यर को LBW आउट करके पेवलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। यहाँ पर सरेश अय्यर की हम बात करें तो दोस्तों वो भी 7 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 8 ही रन बनाकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर रियान पराग की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली जब उन्होंने 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा जहाँ पर उन्होंने बैकफुट से गेंद को कट किया और चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 3री गेंद पर शानदार चौके के साथ शिवम दुबे ने भी अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रियान पराग की ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और एक गेंद को छोड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और गेंद सीधे उनके स्टंप पर जाकर लगी। रियान पराग भी यहां पर 13 गेंदों का सामना करने के बाद 15 ही रन बनाकर पेवलियन लौट गए और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। इसके बाद 18वें ओवर की 3री गेंद पर शिवम दुबे भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और एक और LBW के रूप में वेंडरसे को सफलता मिली और शिवम दुबे 14 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर अंत तक संघर्ष करते हुए नजर आए जब 22वें ओवर में 2 बेहतरीन छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसी ओवर में एक रिवर्स स्वीप के जरिए शानदार चौका भी उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वाशिंगटन सुंदर ने और एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 26वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार सीधा कैच वेंडरसे के हाथों में थमा बैठे और भारतीय टीम को 9वां झटका लगा। वाशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 25 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर पेवलियन लौटे। तो उनके आउट होने के बाद यहाँ पर 27वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव भी LBW आउट हो गए जिन्होंने 30 गेंदों पर 6 रन बनाए और पूरी भारतीय टीम मात्र 26.1 ओवर में ही 138 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मुकाबले में 110 रनों से हार के साथ ही सीरीज भी गंवा दी। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।